धुरकी पुलिस ने कन्हर तटीय शुरू गांव से एक अधेड़ व्यक्ति का फांसी के फंदे से झूलते शव को बरामद कर अंत्य परीक्षण के लिए भेजा सदर अस्पताल। धुरकी थाना क्षेत्र के खुटिया पंचायत अंतर्गत कन्हर तटीय शुरू गांव से थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने शनिवार को चिलबिल के पेड़ में एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद कर अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी सदानंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरू गांव से धुरकी थाना में ग्रामीणों ने सूचना दिया था और बताया कि कन्हर तटीय शुरू गांव में एक चिलबिल के पेड़ में गांव का ही महेश कोरवा 56 वर्ष का शव फांसी के फंदे में झूल रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद वह पुलिस बल के साथ शुरू गांव स्थित घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से मृतक महेश कोरवा के शव को पेड़ के फंदे से झूलते हुए शव को नीचे उतारा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक का शव लुंगी से फांसी के फंदे में झूल रहा था। इसके बाद शव की पहचान करने के बाद उसे पुलिस कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक अपने घर में घरेलू तनाव में आकर पत्नी से झगड़ा झंझट किया था। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक महेश की कैसे मृत्यु हुई इसकी जानकारी पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। वहीं इधर शुरू गांव में चिलबिल के पेड़ में फांसी के फंदे से झूलते हुए शव की सूचना पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई है।